गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास सिक्स में एक्सरसाइज 8.2, कल आपका 8.1 कंप्लीट हुआ था और कल भी हम अनाउंस्ड किए थे कि आज कन्वर्सेशन में डिसिमल का जो कन्वर्सेशन है उसमें एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रैक्टिस टाइम 8.2 आज स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस कौन कौन है, किस किस टाइप का है ये मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म यानी मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है 21.26 यानी 21.26। अब इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद लोएस्ट टर्म में चेंज करके हम मिक्स फ्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे 21.26 है, इट मीन्स 21.26 कर देते हैं और नीचे डिसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको हम कट करते हैं 2 से, तो 52 जा 100 होता है और ये भी 2 से कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 0, 2 6 जा 12 और 3 2 जा 6। अब मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह 5 से नहीं कट सकता है, ये तो 5 से कट सकता है। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन हुआ 1063/50, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको डिवाइड करके और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं क्योंकि लोएस्ट टर्म में चेंज हो गया। अब लोएस्ट टर्म में जब चेंज हो गया अब उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 से अगर डिवाइड करते हैं हम 1063 में, तो पहले 2 टाइम्स 100 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 6, ये दोनों कट हो जाएगा, ये 3 बचेगा। अब ये 1 टाइम्स यानी 50, तब मेरे पास जो रिमाइंडर बचा वो 13 हुआ। तो इस तरह से इस मिस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 21 इंटीजर्स 13/50। ये 21 इंटीजर्स जो हुआ 13/50, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 8 तक, ये सब सबसे पहले डिसिमल में दिए हुए हैं और उसको फ्रैक्शन में लिखना है और फ्रैक्शन में लिखने के बाद लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे यानी उसको कट करेंगे और लोएस्ट टर्म के बाद जो बचेगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब इसमें से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सबसे लास्ट वाला 8 नंबर। एट नंबर जो क्वेश्चन है वह है 1.25 यह डिसिमल फ्रैक्शन में है। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 1.25 और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब इसको हम कट करते हैं तो 25 से दोनों कट जाएगा, 25 4 जा और 25 5 जा यानी 5/4। ये 5/4 जो हुआ आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया। अब इस लोएस्ट फॉर्म को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर
यहाँ पर नॉमिनेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 4 से 5 में, तो 1 times हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 integers 1/4 हुआ, यानी 1 integers 1/4 हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं बी नंबर में। बी नंबर में कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जो बी नंबर का क्वेश्चन है उसको कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। इसमें पहला है 37 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो 37/1000 हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब इसको चेंज करना है किसमें, तो कन्वर्ट इनटू डेसिमल, डेसिमल में चेंज करना है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के स्थान पर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 37 के डिनोमिनेटर में 1000 है, इट मीन्स 30 है। अब इस 30 को ख़त्म करके ऊपर 3 digits के बाद डेसिमल बैठा देते हैं, तो यहाँ पर आपका 7 है, 3 है, एक 0 बैठा देंगे और डेसिमल दे देंगे, 0.037, ये हो जाएगा आपका डेसिमल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम पहुँचाएगा। जैसे 3/4, एक क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, बी का 4, यह फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4, यहाँ पर यह लाइक फ्रैक्शन में है क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और इसको हमको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 3 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो कट करने वाली बात तो है नहीं, तो निश्चित तौर पर पहले ही डेसिमल बैठ जाएगा यहाँ पे, और डेसिमल बैठेगा तो यहाँ क्या बैठेगा, 0 होगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 4 7 जा 28 होता है, तो 28 हो गया, फिर यहाँ नीचे रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल तो पहले से ऑलरेडी है, अब 0 बैठा सकते हैं, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब मैं जब डिवाइड किए तो डेसिमल 7 5 आ गया, तो आंसर आपका हो जाएगा 0.75। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि यदि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो लाइक फ्रैक्शन में होता है और लाइक फ्रैक्शन को डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो पहले ही डेसिमल बैठाना पड़ता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, 15 integers 5/12, तो इस इंटीजर्स को पहले तोड़ दो, और तोड़ने के बाद जो नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में उसे डिवाइड कर दो, तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा, क्लियर। अब डी यहाँ पर देखिए, सी नंबर में कन्वर्ट दिस 2 into डेसिमल फॉर्म, इसको भी डेसिमल फॉर्म में ही चेंज करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना था और इसको भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, दोनों में डिवाइड करने से डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड करना बिल्कुल आसान है, लेकिन डिवीज़न आता होगा तब, अगर डिवाइड में किसी प्रकार की दिक्कत है या आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में डिवाइड पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी नंबर आप अपने आप से बना सकते हो। राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो भी बिल्कुल आसान है, एक इसको भी देख लेते हैं। डी नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका,
तो इस तरह से ये डी नंबर का एक क्वेश्चन है 125 डिसमल 10, यहां पर ये डिसमल है। अब इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 125 10 लिख देते हैं और नीचे डिसमल के बाद टू डिजिट है तो हम 20 बैठा देते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो को कट कर देते हैं। अब मेरे पास क्या बचा, 1251 और डिवाइड बाय 10। अब केवल इसको फ्रैक्शन में ही चेंज करना है, तो ये फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब कि चेंज तो हो गया लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, तो आंसर आपका वही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए से लेकर डी तक आपका कंप्लीट हुआ, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आप कॉपी में इसको नोट कर लेंगे और जो प्रॉब्लम है आप कॉपी सबमिट करके स्कूल में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास सिक्स SST हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, जियोग्राफी में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे अर्थ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करते हैं या फिर अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे अर्थ पे मेनली तीन फैक्टर थे, कौन कौन से, लैंड, वाटर एंड एयर, जिसका हम लोग लैंड के लिए लिथोस्फीयर, वाटर के लिए हाइड्रोस्फीयर और एयर के लिए एटमोस्फेयर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बायोस्फीयर के बारे में कि बायोस्फीयर कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो बायोस्फीयर में हम लोगों ने जाना था कि बायोस्फीयर कहाँ बनता है और कब बनता है, इसको थोड़ा सा हम विभाजन करेंगे अभी और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडिया आवर मदरलैंड। इंडिया आवर क्या है, आवर मदरलैंड, इंडिया आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिया आवर मदरलैंड। तो सबसे पहले बायोस्फीयर को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने बायोस्फीयर में क्या पढ़ा था, कि बायोस्फीयर जो बनता है वो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, जहाँ पर तीनों स्फीयर मिलते हैं वहीं पर किसी भी जीवन का सृजन होता है या फिर उत्पन्न होता है। तो जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे बायोस्फीयर में उत्पन्न होने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने कैटेगरी में बांटे गए थे, कितने किंगडम में बांटे गए, तो दो किंगडम में दो कैटेगरी में बांटे गए थे। एट द फर्स्ट किंगडम क्या था, तो प्लांट किंगडम, एंड सेकेंड था एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में जितने भी हमारे पास पेड़ पौधे घास फूस जो कुछ भी है वो भी एक बायोस्फीयर के ही पार्ट है, तो वो आ जाते हैं प्लांट किंगडम में। और एनिमल किंगडम में जितने भी जीव जंतु, जैसे छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के बड़े से बड़े व्हेल तक, इतने ये सब जो आएंगे ये सारे किस चीज़ में आएंगे, तो हमारे एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में आने वाले एक हमारा ह्यूमन बीइंग भी था, मानव जाति भी था, जिसमें हम लोग अध्ययन किए थे मानव जाति का और इन्वायरमेंट से कुछ रिलेशन, कि हमारे ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, तो उसमें हम लोगों ने किस चीज़ को जाना था, तो इसमें जाने थे लोग पॉल्यूशन के बारे में कि हमारे दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही है, और दूसरा प्रकृति का दोहन करने के कारण यहाँ पर उस आवश्यक चीज़ों की मात्रा घटते जा रही है, तो इस चीज़ों को देखे थे हम लोगों ने जाना था। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि। तो हम लोग जानते हैं कि वेयर वी लिव,
या वी लिव एट छपरा, वी लिव इन बिहार, बट वेयर, व्हाट इज द कंट्री ऑफ वेयर वी लिव, उस देश का क्या नाम है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो उस देश का नाम क्या है, इंडिया है, भारत देश में हम लोग रहते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इंडिया आवर मदरलैंड इज अ वास्ट, वेरी वास्ट, ओल्ड एंड डाइवर्स, हमारी भारत की जो भूमि है यह बहुत ही पुरानी है, और यहाँ पर बहुत ही पुराने समय से क्या चीज़ है, सभ्यताएँ हैं, जीवन है, इसलिए यहाँ पर दिस इज द रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर एंड द रीजन दैट वी सी इन द कंट्री टुडे। जो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में, भारत देश तो एक ही है लेकिन यहाँ पर कल्चर अलग अलग हो जाते हैं, बिहार के कल्चर अलग, साउथ के कल्चर अलग, ईस्ट के कल्चर अलग, वेस्ट के कल्चर अलग, हर जगह के कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग, इसके साथ रिलीजन इतने सारे, तो ये सब इतने डाइवर्सिटी क्यों हैं, इतने विविधताएँ क्यों हैं, तो इतनी विविधताएँ क्यों हैं कि जिस प्लेस पे जब जो भी व्यक्तियों ने रहना शुरू किया वहाँ पर उन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, वहाँ पर उन्होंने अपना रिलीजन शुरू क्रिएट कर दिया, वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रेडिशन शुरू कर दिया, इसलिए जिस भारत के जिस भूमि पर जो जितना अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशन, कल्चर या फिर लैंग्वेज बने हुए हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, हमारा इंडिया जो होता है, इंडिया इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, हमारा भारत जो होता है पाया जाता है वो किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर जो बनता है, लैंड का सरफेस से कवर, लैंड सरफेस कवर्ड जो क्षेत्र होते हैं, जोन होते हैं, और जितना कवर्ड, जितना एरिया कवर्ड होता है और जो स्फीयर क्रिएट करता है उस स्फीयर को क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। और लिथोस्फीयर में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन आवर लिथोस्फीयर सरफेस, लिथोस्फीयर एरिया, लिथोस्फीयर जोन, तो हम लोगों ने जाना था कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट होता है, और हम लोग का इंडिया जो आता है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में, एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में है हमारा भारत। किस जगह पर आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में आता है, यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और इंडिया के बारे में देखेंगे, हमारा इंडिया जो है साउथ की तरफ जा करके यह पेनिसुलर बन गया, यानी प्रायद्वीप बन गया, यानी तीन तरफ से घिरा हुआ समुद्र का क्षेत्र है, और इसलिए इसको पेनिसुलर बोला जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोग कि लोकेशन एंड द एक्सटेंट, हमारे भारत की लोकेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक यह विस्तार किए हुए हैं। तो हमारे भारत की जो लोकेशन है, इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री, भारत जो है हमारा पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में कितना स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में यह 7वां स्थान रखता है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्थान रखता है, 2nd या फिर 7th, तो दोनों किस दृष्टि से, किस व्यू से, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2nd स्थान रखता है वर्ल्ड में, एट द फर्स्ट चाइना एंड द 2nd इंडिया, एंड द एरिया के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड क्षेत्र किस कॉन्टिनेंट ने किया हुआ है, तो सबसे अधिक ऑक्यूपाइड क्षेत्र जो है वो रूस के द्वारा है, रूस ने ऑक्यूपाइड किया है, और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया किस स्थान पे आता है, तो इंडिया का स्थान वो 7th है। इसका एक्सटेंशन देखेंगे लोग, विद द एरिया अबाउट 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर रन्स अबाउट द मिडवे थ्रू द कंट्री। और देखिए इंडिया में एक और खास बात क्या है, पॉइंट देने वाली, ध्यान देने वाली बात क्या है, तो हमारी इंडिया के ठीक मध्य से, हमारी इंडिया के ठीक मध्य से, इंडिया के ठीक मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कौन सी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोला जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे अर्थ के ऊपरी हिस्से को नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, और निचले हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर, बीच का जो 0° लैटिट्यूड होता है, इस लैटिट्यूड को इक्वेटर बोला जाता है, 0° लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। और 0° लैटिट्यूड से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ में हम 37° बढ़ाते हैं या फिर ऊपर की ओर जाते हैं लैटिट्यूड पे, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट होती है, और ये लाइन जो क्रिएट होती है इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हिंदी में कर्क रेखा, याद रखेंगे। और एट द सेम थिंग, यदि यही 37° एंगल लैटिट्यूड पे हम साउदर्न पार्ट में जाते हैं,
साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पर भी एक रेखा बनती है, लेकिन उस रेखा को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर के गुजरता है, भारत के ठीक मध्य से होकर के गुजरता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखा, आज हम लोग थोड़ा सा पढ़े अपने इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर और इनके लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एक्सटेंशन क्या है, यानी इसका नॉर्थ पार्ट से लेकर के साउथ पार्ट तक वो कितने रेंज में फैला हुआ है, और इनके आसपास में कौन कौन से देश है, इसके पड़ोसी देश नेबर कंट्री कौन कौन से हैं ये देखेंगे लोग। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट में कितना से कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब बाकी क्या करना है, तो आपको इस जो भी अभी क्लास में पढ़ाया हुआ है इसको एक नोट्स की तरह तैयार कर लेंगे और तैयार करके याद कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर्ड रहेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ आवर इंडिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन में सॉरी क्लास सिक्स में हम बताए थे कि काइंड्स ऑफ मटेरियल, और इसमें हम आपको आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो पिछला क्लास हुआ था इसमें हम अपीयरेंस और लॉस्टरनेस दो किसी बारे में बताए थे, आज हम चल रहे हैं हार्डनेस के बारे में। तो जो मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। आप सोचते होंगे कि कौन से मटेरियल हार्ड होते हैं, तो कभी आप अपने इरेजर को छू कर देखिए वो क्या है, सॉफ्ट है, और पेंसिल को छूए वो क्या है, हार्ड है, एप्पल जेली, ठीक है, तो जेली कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, एप्पल कैसा होगा, हार्ड होगा, नॉट मच हार्ड बट हार्ड। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, अगर हम आंख बंद करके भी छूएं तो मेटल हमको कैसा नजर आएंगे, कैसा महसूस होंगे, हार्ड महसूस होंगे। बाय फीलिंग देम यू विल फाइंड द जेली आर द सॉफ्ट एंड एप्पल कार्डबोर्ड आर हार्ड। शो थिंग्स वी कैन कंप्रेस इजिली इज कॉस्ट, इसलिए ऐसी चीज़ें जिसको आसानी से दबा दें वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट मटेरियल कहलाता है, और जो चीज़ें आसानी से हम नहीं दबा सकेंगे उसको हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। अब बात करें हम स्टेट की, तो सब्सटेंस को हम मैटर के तीन स्टेट होते, देखो ऐसा है कि तो हायर क्लास में जाओगे तो पांच स्टेट पढ़ोगे, फिलहाल तीन स्टेट आप जान लो। तो एक होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, अब जैसे कि कोई चीज़ है साबुन है, ठीक है, साबुन है, बेंच है, आपका टेबल है, बुक है, तो ये सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि इसका शेप क्या है, डिफिनिट है, इसका वॉल्यूम डिफिनिट है, इसको अगर ठीक है तो इसका वॉल्यूम और इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए हम सब क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट है। दूसरा लिक्विड स्टेट, जैसे तेल घी है ना, तो वो क्या कहलाता है, लिक्विड स्टेट कहलाता है, जो कि आसानी से फ्लो कर सके, लिक्विड चेंज शेप बट नॉट वॉल्यूम, लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। पोरिंग वाटर फ्रॉम ए जग इनटू ए ग्लास काउज वाटर टू टेक, अब एक ग्लास एक जग का पानी लेकर क्या करें, उसमें एक जग का पानी लेकर हम ग्लास में रख दें तो किस शेप का हो जाएगा, ग्लास का शेप का होगा, अगर उसको हम बॉटल में रख दें तो बॉटल का शेप होगा, अगर बॉल में रखते हैं तो क्या होगा, बॉल के शेप का हो जाएगा, ठीक है। अब गैसियस स्टेट, गैस इजली चेंज इनटू शेप एंड वॉल्यूम, गैस जो होता है वो अपना शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, चेंज करता है। इफ यू पंप एयर इनटू द साइकिल टायर, भाई साइकिल देखो ऐसा है कि साइकिल का टायर, अभी मान लो कि नोजल खोल दो, देखो हाँ भाई याद आ गया, पंचर बनाते हैं ना हम लोग, तो भाई साइकिल पंचर तो एक कॉमन वर्ड मैं बोल रहा हूँ, तो जब वो हवा निकल जाता है तो साइकिल क्या होता है, अपने शेप में नहीं होता, ट्यूब का अपना शेप नहीं होता, लेकिन जैसे दुकानदार हम उसमें जब वो ठीक हो जाता है हम हवा करते हैं तो वो क्या होता है, अपने शेप में आ जाता है। तो यानी गैस का कोई शेप नहीं होता, अगर बैलून में भर दो बैलून के शेप का, ट्यूब में भर दो ट्यूब का, मतलब जिस शेप में आप भरोगे उस शेप का हो जाएगा। अब बात करें सोलेबल और इनसोलेबल, कुछ चीज़ें घुल जाती हैं, एक बात काम करते हैं, एक ग्लास लेते हैं और ग्लास में क्या करते हैं, थोड़ी सी नमक डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद नमक हमको दिखाई देगा, नहीं नमक हमको दिखाई नहीं देगा, फिर नमक गया कहाँ, ये डिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर ग्लास में हम एक चम्मच बालू डाल दें
तो जैसे ही बालू डाल देगा तो क्या होगा, बालू तो वहाँ पर रहेगा, बालू एक एक घंटा क्या दो तीन चार घंटे के बाद ही बालू जीव का त्यों गया। तो बालू क्यों रह गया, क्योंकि बालू क्या हो गया, डिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए वह जीव का त्यों रह गया। तो ऐसी चीज़ें जो डिजॉल्व कर जाती है, घुल जाती है, उसको हम सोलेबल कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो नहीं घुलती है उसको हम इनसोलेबल कहते हैं। अब देखो पानी की बात कर रहे हैं, पानी को हम यूनिवर्सल सोलेबल कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि इससे मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, घुल जाती है। और अबाउट हमारे शरीर का जो 70% पार्ट है वो किसके बना हुआ है, पानी का बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। तो थर्मोकोल है और स्टोन दो चीज़ है। थर्मोकोल या एक पत्ता को लेकर आप पानी में डाल दीजिए वो तैरेगा, लेकिन एक पत्थर डाल दें वो क्या होगा, इजी सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो भाई इस ऐसी प्रॉपर्टी जो चीज़ पानी में तैरे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोलेबल फ्लोटिंग मटेरियल कहते हैं। जो पानी में डूब जाए उसको क्या कहते हैं, हम सिंक कहने वाले होने वाले मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई, ऐसा कोई बात नहीं, टाइम आजकल ख़राब हो गया, वो टाइम सुधर जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, टाइम अच्छा हो जाए, घड़ियाँ ख़राब हो चुकी है। अब हम एक बात करते हैं किरोसिन की। किरोसिन को अगर हम पानी में डाल दें क्या होगा, वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तो इजी फ्लोट करेगा। ठीक है, पेट्रोल भी इजी फ्लोट करता है। अब एक ट्रांसपेरेंसी की बात करें, कुछ चीज़ों के आर पार हमको दिखाई देता है और कुछ चीज़ों के आर पार हमको दिखाई नहीं देता। जिन चीज़ों के आर पार हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब मान लो देखो एक एयर है, एयर में हम तुम्हारे सामने तो है नहीं, हाँ वीडियो में सामने है, लेकिन अगर एयर में तुम देखो दूसरे चीज़ों को, देखो पेड़ पौधे या किसी भी चीज़ को देखोगे तो तुमको वो दिखाई देगा, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। पॉलीथीन देखोगे ना, तो पॉलीथीन देखोगे तो क्या होगा, वो पॉलीथीन में तुमको आर पार दिखाई देगा, तो वो ट्रांसपेरेंट है। कुछ चीज़ें जो होती है जो आर पार दिखाई साफ साफ नहीं देती है, क्या होती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है बट नॉट क्लियरली। अब जैसे ऑयली पेपर, ऑयली पेपर को क्या करोगे आप कि अगर देखोगे तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलूशेंट। और ऑपिक वो मटेरियल है जिसके आर पार बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, समझ में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑपिक ऑब्जेक्ट। वी हैव लर्न अबाउट द सम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच हेल्प अस टू क्लासीफाई इन टू द डिफरेंट कैटेगरी। क्लासीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। योर मदर स्टक सिमिलर थिंग टूगेदर इन द होम फॉर क्लॉथ एट द वन प्लेस बट द शू आर केप्ट इन द सेपरेट प्लेस। अपने घर में देखते हैं कि आपकी माँ जो होती है सामानों को एक जगह रखती है और दूसरे चीज़ों को अलग अलग रखती है। सिमिलरली इन सुपर मार्केट या ऑल फूड आइटम आर स्टक इन द ग्रुप। यू विल फाइंड द टाइप ऑफ बिस्किट इन वन शेप, पल्स इन अनदर शेप एंड कोल्ड ड्रिंक इन द डिफरेंट शेप। इन क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू लोकेट थिंग इजिली। भाई क्लासिफिकेशन जो होता है आसानी से हमको चीज़ों को खोजने में मदद करता है। क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन साइंटिस्ट टू स्टडी डिफरेंट मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज सिस्टमेटिकली। क्लासिफिकेशन से जो होता है साइंटिस्ट को स्टडी में आराम होती है, समझ में आ रहा है। अब आराम इसलिए होती है कि वो एक ही प्रॉपर्टी को याद करके सिमिलरली वो दूसरे के बीच जान जाते हैं। तो ये है, अब देख बात देखो क्लासिफिकेशन का मैं एक और एग्जांपल बता दूँ। आप कभी दवा के दुकान में जाकर देखते हैं तो दवा के दुकान में ध्यान से देखिएगा तो एक और टैबलेट रहता है, दूसरे और सीरप रहता है, तीसरे और इंजेक्शन रहता है, एक और बच्चों की दवा होती है, उसके बाद एक और ड्रिंक जैसे कम्प्लान हॉर्लिक्स ये सब रहता है। तो इस तरह चीज़ें जैसे आप डिमांड करेंगे वो वहाँ से उन चीज़ों को लाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो दुकानदार के स्टाफ होते हैं या दुकानदार खुद अगर जो सामान लाकर देता है वो जब देखेंगे आपको देने के बाद फिर ये उसी जगह रखाएगा तो भाई उसकी प्लेस फिक्स होती है ताकि दूसरे ग्राहक जो आएंगे उसको देने में सुविधा होगी। तो भाई आज समझ रहे हैं कि ये चैप्टर आपका 4th चैप्टर ख़त्म हो गया। और जब 4th चैप्टर ख़त्म हो गया तो थोड़े से हम क्वेश्चन सर की चर्चा कर लें, थोड़ी सी कहोगे तो कर देंगे। ठीक है,
तो ऐसा है कि क्वेश्चन सर एक्सरसाइज देख लो, मैं दिखा दूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपका, तो एक्सरसाइज मैं करा दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक क्लॉथ, किसका यूज क्लॉथ बनाने के लिए होता है, तो इसमें आंसर ए होगा कॉटन। वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, टॉय, स्टिक, सबके लिए होता है, इसलिए इसका यूज होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर, इनमें से कौन सा मैटर नहीं है, तो साउंड, जो साउंड जगह नहीं घेरती। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज द डिफिनिट शेप बट नॉट डिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलेबल इन वाटर, तो ये होगा सॉल्ट। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ, घरा इज मेड ऑफ सॉइल, ऑरेंज आर नियरली राउंड इन शेप, प्योर हनी इज सॉलेबल इन वाटर, थर्मोकोल फ्लॉट ओवर वाटर, रबर इज एन इंसुलेटर ऑब्जेक्ट, अल्मोनियम इज ए ऑपिक मटेरियल, द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव द फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड, लिक्विड विच मिक्स विथ ईच अदर इज मिशेबल लिक्विड। और अब बात करें दूसरे चीज की, तो ये देख लो आप, ये है मैचिंग, ये देख रहे हो मैचिंग है, और उसके बाद ट्रू फॉल्स है, भाई देख लो साफ साफ देख लो भाई। तो इसमें होगा साइकिल, साइकिल का होगा ट्रांसपोर्ट, एप्पल इसका होगा फ्रूट, नाइलॉन इसका होगा फैब्रिक, ब्रिक इसका होगा बिल्डिंग, प्लास्टिक इसका होगा टॉय, शुगर सॉलेबल इन वाटर। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रू फॉल्स की ओर चले, तो चॉक इज सॉलेबल इन वाटर, फॉल्स है भाई, चॉक घुलता नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड ऑफ वुड, बिल्कुल फॉल्स है। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर, ट्रू भाई, लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। कोकोनट वाइल डिजॉल्व इन वाटर, फॉल्स। सम ग्लासेस आर ट्रांसलूशेंट, ट्रू, चूंकि ऐसा है कि बाथरूम में अगर हम लगाते हैं तो ये जो ग्लास होता है वो ट्रांसलूशेंट होता है, हाँ अंदर दिखाई देगा कि कोई आदमी है बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो कौन है, तो ये ट्रांसलूशेंट है। बस आज इतना ही, अगले दिन जो हम चैप्टर है वो चैप्टर हम आपको 5 की रिविजन कराएंगे। सो प्लीज़ आज का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स के 2 पेज मैंने पढ़ाए थे, आज कहानी का अंत का 2 पेज है जिसको ख़त्म ही कर देते हैं, तो चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, अर्नेस्ट दरवाज़ा खटखटा रहा था, उसके बाद से कहानी चालू होती है। ओह लेडी, ओह नो, आई एम नॉट डिफ नो, बूढ़ी महिला कहती है कि मैं बहरी नहीं हूँ। ठीक है, अर्नेस्ट, अब अर्नेस्ट कहता है आई हैव टू रेस्क्यू द प्रिंसेस, मैं प्रिंसेस को बचाने आया, आई हैव टू बी द किंग, और यह प्रिंसेस को बचाकर क्या बन जाता, राजकुमार बन जाता, राजा बन जाता। ये तो आप लोगों को कल मैंने बताया ही था कि जो प्रिंसेस को बचाएगा वो राजा बनेगा। ओल्ड लेडी, वेट वेट, इंतजार करो, इतना तेजी क्यों है, टुमारो मॉर्निंग, कल का इंतजार करो। हा हा हा, वी विल नीड टू गो थ्रू 3 टेस्ट, इंतजार करो, हंसते हुए कहती है तुम्हें राजा बनना है तो 3 टेस्ट पास करने होंगे। अर्नेस्ट कहता है ठीक। नरेटर अर्नेस्ट हैड टू स्लिप अंडर ट्री, अर्नेस्ट जो है वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह द ओल्ड लेडी केम टू हिम, उसके सामने प्रकट होती है। अर्नेस्ट नाउ टेल मी, अर्नेस्ट कहता है बोलिए आप मुझे क्या बोलना चाहती है, विज आर दोज टेस्ट, वो टेस्ट कौन से हैं, आई एम नॉट अफियर्ड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ को करने से नहीं डरता। अर्नेस्ट ओवर कॉन्फिडेंस है, और आप जानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग ही डूबते हैं, जो कॉन्फिडेंस में नहीं रहता वो डूबता नहीं है। अर्नेस्ट का भी वही होने वाला है, मुझे समझ में आ रहा है, देखते हैं कहानी आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे हम लोग। ओल्ड लेडी आर यू श्योर, क्या तुम सही में श्योर हो कि तुम ये टेस्ट पास कर जाओगे। अर्नेस्ट
हाउ डियर यू टू टॉक टू मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की, लाइक डैट व्हाट डू हैव टू डू, क्या मुझे करना है, व्हाट डू हैव टू डिस्ट्रॉय, मुझे क्या बर्बाद करना है, अर्नेस्ट एकदम बड़ा बड़ा फेंक रहा है, लग रहा है कि जैसे ओल्ड लेडी, यू डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय एनी बॉडी, कुछ डिस्ट्रॉय तुम्हें नहीं करना है. आई एम थ्रोइंग सम सनफ्लावर सीड्स ऑन द ग्राउंड, दे विल बी ब्लोन बाई द वाइंड एंड यू विल हैव टू पिक देम अप एंड पुट देम इनसाइड द बैग इन ओनली वन आवर एन ए आवर. लेडी कहती है कि चलो मैं तुम्हारा पहला टेस्ट चालू करती हूँ. पहला टेस्ट चालू करती है और कुछ सूरजमुखी की बीजें जो है ना वो ऐसे करके धरती पर थ्रो कर देती है. थ्रो करने के बाद हवाओं के संपर्क में आने पर वो सारे एक जगह से दूसरे जगह उड़ने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं. और कहती है कि इसे एक घंटे में मैंने ज़्यादा जो सीड्स फेंका है ना सारे को एक घंटे में चुन कर तुम्हें इस बैग में रख देना है. अब देखते हैं अर्नेस्ट का जवाब जो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था. अर्नेस्ट, आई हैव टू पिक अप ऑल दोज लिटिल सीड्स एंड पुट देम इन दैट बैग, डू यू थिंक आई एम क्रेजी, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज दिस. अर्नेस्ट कहता है कि क्या ये सारे उठाकर मुझे फेंक एक बैग में रखने होंगे, क्या तुम सोचे कि मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ, ये किस प्रकार का टेस्ट हुआ. देखो अर्नेस्ट का सारा जो बड़े बड़े हिकड़ी मार रहा था ना धीरे धीरे निकलना चालू हो रहा है. ओल्ड लेडी, आई विल बी बैक इन एन आवर, वो बोलते हैं कि मैं एक घंटे में आ रही हूँ. नरेटर, एंड द ओल्ड लेडी लेफ्ट, और वो महिला चली जाती है. अर्नेस्ट, इट इज इम्पॉसिबल. अर्नेस्ट कहता है कि यह संभव नहीं है. आई कांट पिक अप ऑल दोज सीट्स, मैं सारे सीट्स को नहीं चुन सकता. दिस इज नॉट ए टेस्ट, यह एक टेस्ट नहीं है, सो आई विल टेक इट. तो मैं एक झपकी ले लेता हूँ. नैप का मीनिंग समझते हैं ना, शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ स्लीपिंग, तो नैप ले लेता है, झपकी ले लेता है. नरेटर, व्हेन द ओल्ड लेडी रिटर्न, महिला फिर से आती है. ही प्रपोज द सेकेंड टेस्ट, बोलते हैं कि चलो दूसरा टेस्ट करो. सी थ्रू 12 गोल्डन रिंग्स टू वास्ट ए डीप लेक, 12 छलीकार रिंग्स जो है ना वो डीप लेक में फेंक देती हैं और कहती है यू हैव टू पिक देम अप इन एन आवर, एक घंटे में तुम्हें इन्हें सारे को चुन लेना है. अर्नेस्ट, मैं पागल नहीं हुआ, आई एम नॉट क्रेजी, द वाटर इज डीप एंड कोल्ड, वाटर गहरा और ठंडा है. आई कुड कैच ए कोल्ड, मुझे ठंड पकड़ सकती है. ओल्ड लेडी, हा हा हा, यू आर नॉट डूइंग इट वेरी वेल, तुम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो माई डियर, बट लेट्स डू द थर्ड टेस्ट, फॉलो मी द क्रिस्टल. तुम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ पीछे और महल में हम लोग चलते हैं. अर्नेस्ट, आई एम गेटिंग बोर्ड बट लेट्स गो, मैं बोर हो रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ. नरेटर, When they arrived at the castle, they went into a dark room. Then the old lady said, "Narrator, साथ में old महिला के महल में चला जाता है. जब महल में जाता है तो महिला जो है वो एक अंधेरे कमरे में जाती है और यह भी उसको फॉलो करते हुए उसी कमरे में जाते हैं. ओल्ड लेडी इन द कॉर्नर, कोने में देखती है और कहती है कि देर आर थ्री स्लॉट्स कवर्ड विथ ए वाइट सीट, चादर से ढके हुए तीन, कहा जाए तो आउटलाइन ऑफ समवन, जैसे कि किसी को लग रहा हो कि ढका हुआ हो, ऐसे तीन इमेजेस छाया रखे हुए हैं, मतलब सोच लीजिए. यू विल हैव वन आवर टू टेल मी वेदर द प्रिंसेस, तुम्हारे पास एक घंटे का समय है यह बताने के लिए कि राजकुमारी कौन है इनमें से. यू गेस इज राइट देन सी विल बी फ्री, बट इफ नॉट, अगर तुम्हारा सही गेस हुआ तो तुम फ्री हो जाओगे, अगर नहीं तो आपको बताया ही गया था शुरू में कि अगर आप सही जवाब नहीं दीजिएगा तो ड्रैगन जो था वह लोगों को मार के खा जा रहा था. अर्नेस्ट, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, अर्नेस्ट ओवर कॉन्फिडेंस था ना, कहता कि मैं टाइम नहीं लूँगा, मैं अभी बताता हूँ. ओल्ड लेडी, द वन ऑन द राइट, अनकब योर सेल्फ, जो राइट में है ना वही है प्रिंसेस. अर्नेस्ट, ओह नो ए ड्रैगन, ओवर कॉन्फिडेंस में बेचारा ड्रैगन को निकाल लेता है बाहर. नो हेल्प हेल्प, चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ. ओल्ड लेडी खूब जोर जोर से हंसती है
नरेटर ए ड्रैगन चेस्ट अर्नेस्ट ऑल थ्रू द क्रिस्टल। ड्रैगन जो है वो अर्नेस्ट को पूरे महल में पीछा करता है, ये जान बचाते हुए भागते हैं और चिल्लाते रहते हैं। यही कहानी थी आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने एक बात जाना कि ओवर कॉन्फिडेंस है ना, आदमी कभी सही काम नहीं करता, हमेशा वो मिस्टेक ही करता है। चलिए नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल आप लोग को लेसन 7 से संज्ञा का रिवीजन करा रही थी। तो संज्ञा में है कि कल बताएं आप लोग को कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है। तो भाववाचक संज्ञाओं को सबसे पहले उसको दो वर्ग में रख दिया जाता है। कुछ संज्ञा जो होती हैं अपने रूप मूल रूप में भाववाचक होती हैं, जैसे सुख दुख मान अपमान, ये सब जो होते हैं मूल रूप में है भाववाचक संज्ञा। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो वो अन्य शब्दों के द्वारा बनती हैं, तो जैसे मित्र से मित्रता हो जाता है, सफल से सफलता हो जाता है, तो ये कठोर से कठोरता होता है। तो इस प्रकार ये कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप जानिए कि भाववाचक संज्ञा की रचना जो है 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो उसमें कल बताए थे आप लोगों कि जातिवाचक संज्ञा से, पहला सर्वनाम से, दूसरा और तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। यानी कहने का मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द रहेगा, उसी से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो कल आप लोग को बताए थे जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए, जैसे हिंदू का हिंदुत्व यानी अत्व लग गया, राष्ट्र का राष्ट्रीयता यानी ता लग गया, उसमें भाई का भाईचारा आरा हो गया। तो ये सब होते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। अब है आप लोग का कि सर्वनाम से कैसे बनाएंगे। तो सर्वनाम से कहने का मतलब कि जैसे हम, आप, तुम, ये सब सर्वनाम का वर्ड है। तो उस वर्ड से हम लोग कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो अपना से हो जाता है अपनापन, यानी पन लग जाता है उसमें। निज से निजत्व हो जाता है, त्व लग गया। यम से मम से ममत्व हो गया या ममता लग हो जाता है। स्व हो गया स्वत्व हो जाता है। सर्व से सर्वस्व हो जाता है और पराया से परायापन हो जाता है। तो ये थे सर्वनाम के द्वारा। अब है विशेषण के द्वारा। तो विशेषण शब्दों के द्वारा हम भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपसी में जैसे आलसी है, तो आलसी से आपका बन जाएगा आलस्य। ये विशेषण के द्वारा भाववाचक संज्ञा बनेगा। कठोर से बन जाएगा कठोरता। सफ़ेद से सफ़ेदी हो जाएगा, यानी ई की मात्रा लग जाती है। गरीब से गरीबी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। चतुर से चतुराई हो जाता है, यानी आई की मात्रा लग जाती है। लाल से लालिमा बन जाता है, यानी ईमा जुट जाता है अंत में। हरा से हरियाली, आली लग जाता है। खट्टा से खटास यानी आस लग जाता है। गर्म से गर्मी यानी बड़ी की मात्रा से। तो ये हो गया आपका विशेषण के द्वारा। अब है इसमें क्रिया के द्वारा। तो क्रिया के जो शब्द होते हैं उससे हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लूटना, लूटना आपका क्रिया है, तो इसका भाववाचक बनेगा लूट। हंसना से हंसी बन जाएगा। लिखना से लिखाई बन जाएगा, यानी आई लग जाता है। जागना से जागरण हो जाता है, अन्न लग जाता है। सोचना से सोच हो जाएगा। चिल्लाना से चिल्लाहट यानी आहट लग जाता है। और सजाना से सजावट, इसमें भी आवट लग गया। बचना से बचाव यानी आव जुड़ जाता है प्रत्यय। इसके बाद अव्यय से। तो अव्यय होते हैं दूर, निकट, शीघ्र, नीचे, मना, ऊपर, समीप, धिक, ये सब अव्यय के वर्ड होते हैं। तो धिक से धिक्कार भाववाचक संज्ञा बन जाता है। समीप से सामीप्य, ये भाववाचक संज्ञा बनेगा।
ऊपर से ऊपरी ये भाववाचक संज्ञा बनेगा, मना से मनाही ये भाववाचक हो गया, नीचे से निचाई ये भाववाचक हो गया, निकट से निकटता और दूर से दूरी ये भाववाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा जो है वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का बोध कराता है, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा या इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। व्यक्तियों का समूह होगा तो उसमें आ जाएगा आपका कक्षा, दल, सभा, गिरोह, सेना इत्यादि, और वस्तुओं का हो जाएगा तो गुच्छा हो जाएगा, कुंज हो जाएगा, मंडल हो जाएगा, ये सब समुदायवाचक और समूहवाचक में आते हैं। द्रव्यवाचक में हो जाएगा कि जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये होता है आपका लोहा, सोना, पीतल, तेल, गेहूँ, चावल, ये सब जो क्या है टोटल द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आप लोग का संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो दिया गया है चैप्टर के बाद, तो उस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे इसको कल फिर मैं बता दूँगी। धन्यवाद।